ये पकड़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिलियों के साथ हमेशा खुश और बाश रहें। जी क्या हाल है आपके जी? हम आज हम बना रहे हैं लोबिया सफेद, जो मैंने रख दी है, बॉयल करके बच्चों ने रख दिया था क्योंकि मैं आज मसरूफ थी। पहले मैं खुद अस्पताल चली गई फासा मोरिया, उसके बाद हम आए तो हम शौका खानम चले गए, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। तो मैंने कहा आज बाहर नहीं जाती, बाहर बहुत ठंड है, ठंडी ठंडी हवा है, तो मैंने कहा आज इधर अंदर बैठ के ही खाना बना लेते हैं। तो फिर आपसे इसी बहाने आपसे भी मुलाकात कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी सफेद लोबिया। इसके मैंने प्याज काट के ऊपर चढ़ा दिए हैं, तो बाकी का हम लहसुन और अदरक पीस लेते हैं। मन छीन के रख दिया, जगह थोड़ी है इधर, तो फिर हमने मैंने सब चीज़ें पहले से तैयार कर ली थी। लहसुन अदरक डाल लेते हैं इसको, अब पीस लेते हैं। रूसी जो है बहुत तंग कर रही है, ऐसे भाग दौड़ लगाई हुई है उसने। लहसुन अदरक में मैंने 1.5 चम्मच सूखा साबुत धनिया डाल दिया, इसको मैं लेती हूँ पीस। जब इसको पीस लूँगी तो फिर इसको डाल दूँगी, जब प्याज को ऐड कर दूँगी। छोटी छोटी कम कम जगह का भी अपना ही एक मज़ा है, कम जगह हो तो सारे बंदे एक जगह तो बैठ जाते हैं ना, ज़्यादा जगह हो, ज़्यादा कमरे हो तो फिर बंदे फैल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किधर बैठा है और कौन किधर बैठा है। तो हम जो है इस छोटे से एरिए में सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। और बताएं रजब का महीना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी की विलादत का महीना है, में दुआएं ख़त्म सब खिला रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी करवाएंगे। तो क्या क्या बना रहे हो आप सब लोग, क्या क्या बांट रहे हो, शेयर करें। हम जब ख़त्म करवाएंगे तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इबादतें तो हर दिन ही करनी चाहिए, इबादत करें, नमाज पढ़ें, क्योंकि हर एक दिन अल्लाह का है और हर एक दिन ख़ास है, जिसमें हमें नमाज और अल्लाह पाक की हाजिरी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। मसरूफियात तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती ना, सारा दिन चाहे हमारे में तो बस में होता तो रात ना होती तो हम वो भी काम पर लगा देते, वहाँ पे भी हम काम ही कर रहे होते। हमने प्याज टमाटर और डाल दिए हैं, लहसुन अदरक इसको अब अच्छे से भून लेते हैं। भून लेंगे टमाटर, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाले कि लोबिया का साला ना उसके मिक्स में हल्की ग्रेवी रखनी होती है। इसमें आप लोबिया को बना के इसमें आप अंडे उबाल के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वाइट फ्रेंच चनों में अंडे बंदा डाल लेता है ना, वैसे लोबिया के साथ भी अंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर अब क्या किया जाए, अंडे है भी तो इतने महंगे हो गए, अंडों को तो पर ही लग गए हैं।
जरूरत है। मिर्च मसाला डालते हैं, गरम मिर्च जो है ना वो डालते हैं, और गरम मिर्च जो है कम है इसलिए फिर भी मैंने डाल दी। लाल मिर्च हल्दी ज़रूरत, हल्दी हल्दी ज़रूरत, नमक हल्दी ज़रूरत, और धनिया आपको पता है मैं पीस के डाल लेती हूँ। अच्छे से भून लेते हैं लोबिया को, मैंने बॉईल कर लिया था, अभी गीला नहीं हुआ हुआ था वो भून के। देखिए कैसा प्यारी मसाले की शक्ल आई है, और लोबिया भी मुझे बहुत ही मिल रही है। अच्छे से भूनते हैं, भून के तो फिर उसमें लगा देंगे हल्दी ज़रूरत पानी। अब इसमें मैं इसको मैंने 10 से 15 मिनट भून लिया है, ठीक है। वैसे तो ये गल चुका है, गरम मसाला इसमें डालते हैं। कितनी ग्रेवी में उतारेंगे, हल्की हल्की ग्रेवी होनी चाहिए लोबिया में। मैं तो ग्रेवी से ग्रेवी वाला लोबिया भी बहुत पसंद है, कोई कोई भून के भी रखते हैं, भून के खा लेते हैं। इसमें हो जाएगा मसाला, हांडी हो गई है तैयार। ये आई है जी हांडी की शक्ल, ग्रेवी के साथ लोबिया। ये बहुत ही मज़े का सब्जी बने, आप भी बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब डालते हैं रोटी, रोटी डाल के तो फिर खाते हैं खाना इंशाल्लाह। रोटी वाले डब्बे पे कौन पॉन रखता है, बुरी बात है रुशन। ये आटे वाला डब्बा है, इसमें पॉन नो। इधर आओ, अच्छा इधर आ जाओ। यार मैंने रुशि को डांटा है, रुशि रोटी वाले आटे वाले डब्बे के ऊपर पॉन रखने की कोशिश कर रही थी, दूसरी इसको नाराज हो गई दादी जी। अच्छा सॉरी, अच्छा इधर तो आ जाओ। अच्छा सॉरी, अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज रुशे, अल्लाह हाफिज। मैं बाजार नहीं, अब मैं तुमसे दोस्ती बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं बोल रही अब। तो जी जनाब हमारा हो गया सालन तैयार, हमने रोटी खानी शुरू भी कर दी है। लोबिया बहुत अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद और मैंने कहा कि हम खाना खा ही लेते हैं, आप भी घर में ट्राई करें इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आज हम कमरे में ही हैं, कमरे में ही हमने खाना बनाया, बात सर्दी थी इसलिए हमने कहा चलो कमरे को ही रख लेते हैं, यही खाना बना रहे थे चूल्हा अंदर ही रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, आप लोगों का भी अब दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह, और अगला दिन भी आपके लिए खैर खैर का हो, और
इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, हमेशा खुश रहे, हंसते रहे और लोगों की तरह मुस्कुराते रहे। कल के लिए अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारा हो गया सालन तैयार, हमने रोटी खानी शुरू भी कर दी है। लोबिया बहुत अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद और मैंने कहा कि हम खाना खा ही देते हैं, आप भी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आज हम कमरे में ही हैं, कमरे में ही हमने खाना बनाया, बाहर सर्दी थी इसलिए हमने कहा चलो कमरे को ही रख लेते हैं, यही खाना बना रहे थे, चूल्हा अंदर ही रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, आप लोगों का भी अब दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह, और अगला दिन भी आपके लिए खैर का हो। और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और लोगों की तरह मुस्कुराते रहें। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।